हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सिमरन का किचन में। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं सरसों का साग। देखिए, दो गड्डी हमने सरसों का साग लिया है, एक गड्डी हमने पालक लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से काटेंगे, फिर इन्हें धोएंगे, धो के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, हमने राई के साग को काट लिया है और अच्छी तरह से धो लिया है, छड़ी में धोया है। जो भी मिट्टी और रेता वगैरह है सब निकल जाएगा। अब हम इसे उबालेंगे। देखिए, हम राई के साग को आप कुकर में डाल देंगे उबालने के लिए। सीटी ही दिलाएंगे हम, फिर इसे उतार लेंगे। देखिए, हमने सरसों का साग उबाल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे छानने के लिए। देखिए, थोड़ा ठंडा हो जाएगा सरसों का साग, तो हम इसे मिक्सी के जार पर हम पीस लेंगे। देखिए, हमने सरसों के साग को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है। देखिए, हमने कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। देखिए, 2 चम्मच तेल डालेंगे हम। हमारा सरसों का तेल गर्म हो चुका है, तो हम 1 चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। 1 कटोरी हम टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। एक चम्मच हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे इसमें। एक चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है, इसे भी डाल देंगे इसमें। देखिए, मसाला भून चुका है, तेल आ चुका है ऊपर, हमने 2 मिनट मसाला भुना था। अब हम इसके अंदर सरसों डाल देंगे, जो हमने सरसों को पीसा है। थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें, 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे। हम 5 मिनट भूनेंगे मसाले में। राई को अच्छी तरह से उबली हुई है, इसलिए हम इसे 5 मिनट भूनेंगे अच्छी तरह से। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं सरसों के साग को भूनते हुए, अच्छी तरह से भून चुका है ये। अब मैं इसके अंदर चावलों का आटा डालूंगी थोड़ा सा। देखिए, हमने 1 कटोरी चावलों का आटा लिया है। अब मैं इसका घोल बना लूंगी, तब मैं इसमें सरसों के साग में डालूंगी। देखिए, हमने चावलों का आटे का घोल बना लिया है, कितना पतला घोल बनाया है। अब हम इसे 5 मिनट अच्छी तरह से पकाएंगे। मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा सरसों का साग तैयार है। अब मैं इसे चौका दूंगी। 1 चम्मच हम तेल और डालेंगे सरसों का। सरसों का तेल गर्म हो चुका है, तो हम इसके अंदर जीरा, प्याज, लहसुन और लाल मिर्च डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालना है। सरसों का तैयार है, अब हम इसे डाल देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो लाओ आप सबसे पहले देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।